चलिए शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ कंपनीज के बारे में। नेचर ऑफ कंपनीज में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कंपनी क्या होती है और कैसे ये वर्क करती है। तो ये हमारा पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर में नॉलेज ओरिएंटेड नहीं पढ़ाने वाला, मैं एग्जाम ओरिएंटेड बताने वाला हूँ। मतलब कि हम केवल इसके अंदर वो चीज़ डिस्कस करेंगे जो पेपर्स में और एग्जाम में हमसे पूछी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। इस चैप्टर में से पूछे गए हैं 3 क्वेश्चन, जो हर चैप क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ कंपनी या नेचर ऑफ कंपनी। दूसरा क्वेश्चन है आपका कॉर्पोरेट व्हील और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, मतलब कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या होता है और कॉर्पोरेट व्हील कब कब हटाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है इनलीगल एसोसिएशन। ये 3 क्वेश्चन अगर हम प्रिपेयर कर लेंगे तो ये चैप्टर हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, मीनिंग ऑफ कंपनी। मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी एक्ट में किसी भी टर्म का मीन जानना है आपको, तो आप सिंपली चले जाइए सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 है डेफिनेशन का सेक्शन, तो यहीं पर आपको मिलेगी कंपनी का मतलब। तो कंपनी की जो डेफिनेशन है वो दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में। सेक्शन 2 क्लॉज 20 बताता है हमें कंपनी का मतलब। तो कंपनी की डेफिनेशन बताई गई है, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो कंपनी का मतलब है जो इस एक्ट में बनी है या फिर किसी और प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी है। तो बेसिकली इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हमें कंपनी का जो मीनिंग है वो क्लियरली नहीं हो पाता, और बहुत सारे प्रोफेसर्स ने कंपनी को डिफाइन किया है। उनमें से एक प्रोफेसर है प्रोफेसर हेने, हम उनकी डेफिनेशन को देखते हैं और समझते हैं कंपनी का मीनिंग क्या होता है। कंपनी मीन्स कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैव विद अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड हैविंग परपेचुअल सक्सेशन विद कॉमन सील। मीन कंपनी का मतलब है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा बनाई गई है और जिसका परपेचुअल यानी लॉन्ग टर्म तक चलने के लिए आई, और सेपरेट लीगल एंटिटी है मीन्स यानी उसका अपने आप में कोई अस्तित्व है। एंड विथ कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब हो गया एक नेचुरल पर्सन अपने हाथों से सिग्नेचर कर सकता है, लेकिन कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, उसके ना हाथ होते ना पैर होते, तो इसलिए वो अपने सिग्नेचर के रूप में कॉमन सील का यूज करती है। कॉमन सील बेसिकली एक कागज पे लिखा एक वाटर मार्क होता है जिसमें कंपनी का लोगो और कंपनी का नाम होता है। तो कंपनी का मीनिंग हमने पढ़ लिया सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, इसकी डेफिनेशन दी गई है, और इसको फर्दर डिफाइन करने के लिए हमने प्रोफेसर हैने द्वारा दी गई डेफिनेशन का यूज किया। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ कंपनी। नेचर ऑफ कंपनी को समझने के लिए मैंने इसको एक कोड में डिफाइन कर दिया है, जिस कोड का नाम है टॉप क्लास। अब टॉप क्लास को हम एक एक करके एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे और हमारा नेचर ऑफ कंपनी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर टी का मतलब है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब होता है जब कोई पर्सन कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है, परचेज करता है, तो उसका शेयर अगर उसके डेथ होने के बाद उसका शेयर उसके लीगल हेयर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर काफी इंपॉर्टेंट नेचर है कंपनी का। दूसरा नेचर है ओ फॉर ओनरशिप। ओनरशिप मीन्स सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, यहाँ पर उसे कोई कंपनी के बनाने वाले के नाम से परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। टी फॉर परपेक्चुअल सक्सेशन। परपेक्चुअल सक्सेशन का मतलब आपको पता ही है, लॉन्ग टर्म तक चलने वाला बिजनेस, मीन्स ये आज या कल में नहीं बंद होने वाला, ये लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस है, और कोई भी बिजनेस इसी होप के साथ खुलता है कि हम लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेंगे। सी फॉर कॉमन सील। कॉमन सील एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसपे कंपनी का वाटरमार्क यानी लोगो और नाम छपा होता है। एल फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी यानी लिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पर मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जैसे कि पार्टनरशिप में आपको पता होगा पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन पार्टनरशिप में भी एक नया कॉन्सेप्ट आया है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। उसके अकॉर्डिंग अब पार्टनर्स की भी लाइबिलिटी फिक्स कर दी गई है यानी लिमिटेड कर दी गई है। तो कंपनी में भी एक एक इम्पॉर्टेंट नेचर है लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कंपनी में जितने आपकी केवल शेयर होल्डिंग है बस वहां तक ही आपकी लाइबिलिटी बनती है। यानी अगर आपने किसी कंपनी में 10 रुपये का शेयर खरीदा है,
बदले में अभी तक आपने 8 रुपये पे किए हैं, तो कंपनी आपसे फ्यूचर में केवल 2 रुपये की डिमांड कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। ए फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि एक नेचुरल पर्सन नहीं है ये, इसको सभी वो राइट है जो एक नॉन नेचुरल पर्सन को मिलते हैं। इसको अपने नाम से प्रॉपर्टी रखने का राइट है, कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट है, और किसी भी जगह पे अपना ब्रांच खोलने का राइट है। मतलब इसको सारे के सारे वो राइट प्राप्त हैं जो एक इंडियन सिटीजन को मिलते हैं, एक्सेप्ट वन, यानी इसे एक राइट नहीं मिलता, इसे केवल वोटिंग राइट नहीं है और सारे राइट एक नेचुरल ह्यूमन की तरह, नेचुरल पर्सन की तरह इसे मिले हुए हैं, इसलिए इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। एज फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचर है, जो जिसके ऊपर एक अलग से क्वेश्चन भी बना हुआ है सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर। सेपरेट लीगल एंटिटी को समझने के लिए हम बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट की। कुछ लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई, अब कंपनी बनने के बाद कंपनी को अपने नाम से जाना जाएगा, ना कि उनको बनाने वाले के नाम से। तो यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कंपनी को अपने नाम से जाना जाएगा, कंपनी के पास राइट है, वो अपने आप से कोई एक्ट कर सकती है, अपने नाम से कोई एक्ट कर सकती है। और सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से ही प्रमोटर्स के द्वारा किए गए कोई भी काम उन पर पर्सनली वो लाइबल नहीं होंगे। अगर उनके ऊपर भी कोई एक्शन लिया जाता है तो कंपनी के अगेंस्ट लिया जाएगा, ना कि उनके प्रमोटर्स या किसी मेंबर्स के नाम पर। तो सेपरेट लीगल एंटिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर है। एंड लास्ट, सेपरेट मैनेजमेंट, सेपरेट मैनेजमेंट मींस कंपनी का मैनेजमेंट अलग होता है, यानी उसके मालिक यानी कंपनी के मेंबर डे टू डे वाले डिसीजंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के डिसीजंस लेते हैं डे टू डे डेली रूटीन वाले डिसीजंस में। तो ये था आपका नेचर ऑफ कंपनी, मीनिंग ऑफ कंपनी और नेचर ऑफ कंपनी। यहाँ पर आपने पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, इसके अंदर डिफाइन किया, उसको आगे फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए हमने प्रोफेसर हैने की डेफिनेशन यूज़ करी। फिर नेचर ऑफ कंपनी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक कोड यूज़ किया जिसका नाम है टॉप क्लास। उसके बाद टॉप क्लास को एक्सप्लेन करने के बाद ये पूरा एक क्वेश्चन बन जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा नेचर ऑफ कंपनी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज कॉर्पोरेट व्हील? कॉर्पोरेट व्हील का मतलब है, बहुत आसान भाषा में बात करूं तो, कंपनी और कंपनी को बनाने वाले लोगों के बीच, जिनको प्रमोटर बोला जाता है, उनके बीच में आ जाता है एक फिक्टिशियस पर्दा। उस पर्दे को बोला जाता है कॉर्पोरेट व्हील। उस पर्दे के आने से होता क्या है, कंपनी को अलग माना जाता है और प्रमोटर्स को अलग माना जाता है। यानी आज के बाद कोई भी एक्टिविटी, कोई भी फ्रॉड होगा, भले ही वो कोई भी एम्प्लॉई मेंबर या डायरेक्टर करे, लेकिन उसके लिए लाइबल होगी कंपनी, क्योंकि उसके एम्प्लॉई डायरेक्टर और मेंबर्स ने कंपनी के बिहाफ पे ही काम किया था। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉर्पोरेट व्हील। फ्रेंड्स, अभी आपने एनिमेशन वीडियो के थ्रू मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का मतलब समझ लिया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कॉर्पोरेट व्हील इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कॉर्पोरेट व्हील और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील दोनों एक साथ मिलके पेपर में आते हैं। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील को स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बेसिक सा मीनिंग बता दूं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का मतलब होता है इग्नोरिंग द सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ कंपनी। मीन्स कंपनी एक अलग पर्सन है, इस चीज़ को इग्नोर करते हुए कंपनी और उसके प्रमोटर को एक मान रहे हैं। मीन्स उन दोनों के बीच में जो पड़ा हुआ पर्दा है उसको हटा रहे हैं, यानी जो कॉर्पोरेट व्हील को हटाना ही इस ऐसी सिचुएशन और इसी टर्म को कहा जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ओके, तो दिस, अगर मैं इसको कहूँ, अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ, तो दिस रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी एंड लुक बिहाइंड द रियल पर्सन हु आर इन द कंट्रोल ऑफ कंपनी। मीन्स हटाओ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को, मीन्स कंपनी को हम अलग नहीं मान रहे हैं, हम एक ही मानेंगे उसके प्रमोटर से, और कॉर्पोरेट व्हील को हटाओ और देखो जरा कौन इसके पीछे काम कर रहा है। ठीक है, तो जो कॉर्पोरेट व्हील है वो दो तरीके से हटाया जा सकता है। मीन्स लॉ ने पर्दे को डाला था, तो अब लॉ ही इस पर्दे को हटा सकता है। मीन्स ये दो तरीके से हटाया जा सकता है, एक तो बाय लॉ और एक एंड सेकेंड पर्पस, जहाँ पर आपका पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि आपको कंपनी बनाने का पर्पस साफ साफ पता चल रहा हो कि आपका पर्पस केवल और केवल फ्रॉड करना हो, तो इस केस में भी कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाएगा यानी हटाया जाएगा और देखा जाएगा एक्चुअल में
काम क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये दो तरीके से हट सकता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लॉ के द्वारा किन किन केसेस में हटाया जा सकता है, मीन्स कुछ डिसीजंस पास टाइम में आ चुके हैं और उन डिसीजंस में कोर्ट ने कॉपीराइट विल को लिफ्ट किया था। तो ये जो चार पॉइंट्स होंगे वो आपको अपने एग्जाम में जरूर लिख के आने हैं जब भी लिफ्टिंग ऑफ कॉपीराइट विल का क्वेश्चन आए। तो पहला केस है जब प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, मतलब जब आपका कंपनी बनाने का पर्पस केवल और केवल कुछ नहीं है, टैक्स इवेजन करना है, मतलब टैक्स की चोरी करना है। रेवेन्यू, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू का मतलब होता है टैक्स की चोरी करना। तो इस केस में कॉर्पोरेट विल को हटाया जाएगा और देखा जाएगा एक्चुअल में आप काम क्या कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, कुछ सालों पहले एक बहुत बड़ा केस हुआ था जिसमें मिस्टर डिनसो मानिक दी पैटिट थे, उनको इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट इनकम खूब सारी आती थी और इतनी आती थी कि उन पर बहुत ह्यूज टैक्स लगता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चार बबल कंपनी यानी फेक कंपनी बनाई और अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट और वो डिविडेंड इनकम ट्रांसफर कर दी इन चारों कंपनीज को एज अ लोन। इन्होंने अपने आप से दिखा दिया कि यहाँ से मेरी तरफ से लोन गया है इनके पास, और इन कंपनीज के पास जब ये पैसा गया तो इन उस टाइम की स्लैब रेट के अकॉर्डिंग इन कंपनीज के हैंड में ये पैसा एग्जम्प्ट हो गया और ये पैसा कंपनीज के पास ही रखा इसने, यानी वहाँ से इन्होंने मंगाया नहीं क्योंकि लोन पे कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आपको पैसा मंगाना है इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर। तो ये पैसा इनके पास ही पड़ा रहा और ये टैक्स फ्री होकर एज अ डिविडेंड के रूप में ये उस कंपनी से पैसा लेता रहा क्योंकि डिविडेंड इनकम रिसीव्ड एग्जम्प्ट इनकम मानी जाती है, मीन्स उस पर टैक्स नहीं लगता। तो इसने लोन दिया और अब वहाँ से ये हर साल एक हैवी अमाउंट में इंटरेस्ट और डिविडेंड के रूप में ये पैसा वापस लेने लगा अपना। तो जो इसके हाथ में जो पैसा आता वो टैक्स फ्री आता। तो इस केस में कंपनी के कॉर्पोरेट विल को हटाया जाएगा और देखा जाएगा एक्चुअल में कंपनी का वर्क क्या है। सेकेंड पॉइंट है फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट, मीन्स जहाँ पर कंपनी को बनाना आपका पर्पस केवल एक है फ्रॉड करना, उस केस में आपका कॉर्पोरेट विल हटाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक केस हुआ था जहाँ पर एक पर्सन किसी कंपनी के साथ काम करता था एंड फ्यूचर में उसके साथ कंपनी से संबंध अच्छे नहीं थे, तो उसने वहाँ से काम को क्विट कर दिया यानी छोड़ दिया और उसने कंपनी से प्रॉमिस किया कि दैट मैं आपके कस्टमर को सॉलिसिट नहीं करूंगा, यानी मैं आपके कस्टमर्स को नहीं तोड़ूंगा। तो अब कंपनी के एक लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी है तो ये माइंड ये बात उसको भी बताती, तो उसने अपने माइंड का यूज़ करते हुए एक कंपनी खोली और अब वो कंपनी के नाम से कस्टमर सॉलिसिट करने लग गया, यानी कस्टमर उसके काटने लग गया वो, क्योंकि उस पर्सन की जान पहचान कस्टमर से डायरेक्टली जान पहचान उस पर्सन की थी तो उसके कस्टमर से अच्छे रिलेशन थे। तो इसलिए उसने इस चीज़ का यूज़ करते हुए कंपनी के कस्टमर्स को सॉलिसिट करने लग गया और जब ये बात ओरिजिनल उसके कंपनी के ओनर को पता चली तो उसने केस कर दिया इस कंपनी इस एम्प्लॉय के ऊपर। तो एम्प्लॉय ने कहा कि कंपनी एक्चुअल में अलग है और मैं अलग हूँ और ये काम कंपनी कर रही है, मैं नहीं कर रहा। तो इस केस में कॉर्पोरेट विल को हटाया गया और देखा गया कि कंपनी के पीछे एक्चुअल में वर्क कौन कर रहा है, यानी तब पता चला कि एक्चुअल में वो पर्सन ही कंपनी को वर्क चला रहा है और उसका बेसिक पर्पस केवल कस्टमर सॉलिसिट करना था यानी फ्रॉड करना था। तो इस केस में भी कॉर्पोरेट विल को हटाया। नंबर थर्ड, डिटरमाइनिंग द करेक्टर ऑफ कंपनी। इस केस में अगर कोई कंपनी एनिमी कंट्री की होती है यानी जिस कंट्री से हमारी शत्रुता होती है, अगर वो कंपनी वहाँ से है तो इस केस में हम कॉर्पोरेट विल को हटाते हैं और देखते हैं एक्चुअल में कंपनी के पीछे कौन वर्क कर रहा है। नंबर फोर, चेक अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लिटिगेशंस, मींस जहां पर कोई किसी कंपनी का क्रिएशन केवल इस कारण से होता है कि कंपनी का प्रॉफिट कम करके जो वेलफेयर लिटिगेशंस के रूल्स हैं उनसे बचा जा सके, मतलब कंपनी अपना प्रॉफिट अपनी एक नकली कंपनी में ट्रांसफ़र कर देती है और उस केस में अपना कम प्रॉफिट शो करके वो वेलफेयर वाले रूल से बच जाती है। तो ऐसे केसेस में कंपनी के कॉर्पोरेट विल को हटाया जाएगा और देखेगा एक्चुअल में कंपनी क्या काम करती है। ओके,
नंबर थ्री, व्हाट इज इलीगल एसोसिएशन? इलीगल एसोसिएशन क्या है? कंपनी एक्ट के 464 सेक्शन में बताया गया है व्हाट इज इलीगल एसोसिएशन। इलीगल एसोसिएशन बेसिकली प्रोहिबिशन है, यानी रोक है ऑन लार्ज नंबर ऑफ पार्टनरशिप। मीन्स इलीगल एसोसिएशन वो एसोसिएशन होती है जहाँ पर कोई एसोसिएशन या फिर पार्टनरशिप फर्म जिसमें 50 मेंबर से ज़्यादा लोग काम करते हैं, यानी बिजनेस चलाते हैं, और उस बिजनेस का मेन मोटो है पैसा अर्न करना, एंड वो अपनी एसोसिएशन या पार्टनरशिप फर्म को कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं करते, तो ऐसी एसोसिएशन को बोला जाएगा इलीगल एसोसिएशन। अगर वो इस रूल को अवॉइड यानी अनदेखा कर देते हैं तो इस केस में उनको पनिशमेंट मिलेगी ₹1 लाख, 1 लाख की 1 लाख रुपए का पनिशमेंट मिलेगा, और साथ ही साथ उनकी लायबिलिटी पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी। मींस उनकी जो लिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है उसको हम अनलिमिटेड लायबिलिटी में चेंज कर देंगे। एंड ये रूल कुछ एसोसिएशन पे नहीं लगेगा, उनमें है HUF पे ये एसोसिएशन का रूल नहीं लगता। मींस उनकी फैमिली में अगर 50 से ज़्यादा मेंबर हैं तो भी उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। और एक ऐसा एसोसिएशन या पार्टनरशिप जिसमें बनाया गया है जिसको प्रोफेशनल्स के द्वारा, और उन प्रोफेशनल्स को गाइड करने के लिए उनका एक स्पेशल रूल बना हुआ है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एसोसिएशन या फिर पार्टनरशिप फर्म, उनको इलीगल नहीं बोला जा सकता अगर उसमें 50 मेंबर्स से ज़्यादा भी पर्सन हो जाएंगे, क्योंकि उसको रेगुलेट करने के लिए एक अलग एक्ट बना हुआ है। सो ये था आपका इलीगल एसोसिएशन।